मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कई गांव और कस्बों में ग्राम पंचायत और नगर परिषद की लापरवाही का खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बुधनी में शहर के नालों की सफाई न होने से नागरिकों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का लाखों रुपए का सामान और खाद्य पदार्थ पानी में डूब गया। साथ ही लोगों को भोजन और पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसी तरह भेरुंदा की ग्राम पंचायत लाड़कुई में ग्राम पंचायत और सरपंच सचिव की लापरवाही से आंगनबाड़ी के पास बने कुएं में गंदा पानी चला गया। आपको बता दें कि लाड़कुई में भारी बारिश के चलते बच्चों ने टायरों की नाव बनाकर सड़क पर चलाई। जिले में रात भर हुई मूसलाधार बारिश से शहरी और ग्रामीण इलाकों में घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि बीती रात से ही इलाके में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं नदी नाले उफान पर है। ग्राम लाड़कुई में एक मुख्य नाला भी तेज बारिश के कारण गांव में घुस गया, जिससे ग्रामीणों के घरों में रखा सामान भीग गया। साथ ही जल भराव की स्थिति बन गई। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। हमारा कौन भरपाई करेगा? और नगर पालिका से हमने तीन चार बार बोला कि ये नाली बना दो। उनने पुल्ला डाल के नहीं गए, यहाँ पे नाली ऐसी बनाई गई उन्हें कि पूरा पानी घर के अंदर आया। अब आया पानी, पूरी दीवार गिर गई, हमारा पूरा नुकसान हो गया। कौन भरपाई करेगा? पूरे दाना गल्ला पानी जितना रख सब गल्ला पानी सब गीला हो गया। हमारा आटा सीधा तेल नमक मिर्ची सब चला गया हमारा। नाले में कि ये सब समस्या उलझना पड़ रहा है, घर में पानी आ रहा है हमारे, नाले को बिल्कुल नाली बना दिया है और ना उससे कोई प्रशासन ध्यान दे रही, ना सरपंच ध्यान दे रहा, ना सफाई हो रही, कुछ भी ध्यान देने को जगह नहीं है। पूरा पानी आ रहा है, ये घर में अंदर भरा रहा है, ये इधर जा रहा है, पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो गई है।